हाय, मेरा नाम अनीता काटे है। मैं छिंदवाड़ा से हूँ। मुझे पीरियडिक प्रॉब्लम्स बहुत हो रहे थे। मैं डॉक्टर निर्जा तिवारी के वहाँ गई थी। बेसिकली मैं मुंबई से हूँ। मुझे रेफ़र किया गया था डॉक्टर निर्जा तिवारी के पास। मैं उनको गई, मैंने सोनोग्राफी करवाया, उन्होंने रेफ़र दिया था। सोनोग्राफी में मुझे फाइब्रॉइड बताया गया था। उस फाइब्रॉइड की वजह से मतलब मुझे पीरियड्स में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहे थे। उन्होंने फाइब्रॉइड देख के मुझे रेफ़र किया था कि मैं नागपुर में डॉक्टर आशीष कुबड़े के पास जाऊं, उनसे मतलब पूछूं सर्जरी के बारे में। मैं यहाँ आई नागपुर, डॉक्टर आशीष कुबड़े से मिली। उन्होंने मुझे बताया कि ये फाइब्रॉइड अगर मैं सर्जरी नहीं करूँगी तो शायद वो बढ़ सकता है। और मैंने सर्जरी करवाई। मुझे यहाँ पर आके आज थर्ड डे हो गया है। मैं सेकेंड डे से ही चलने लग गई थी। आज मेरा डिस्चार्ज है, मैं घर जा रही हूँ। मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ कि मैं सेकेंड डे से ही चलने लग गई थी। फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स की बहुत अच्छी हैं, फूड बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर पूजा कि मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया कि मतलब मैं कैसा डाइट लेना चाहती हूँ, कैसा मतलब प्रिकॉशन ले सकती हूँ हर चीज़ के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच टू डॉक्टर आशीष कुबड़ा एंड डॉक्टर पूजा कि मतलब मैं इतनी जल्दी रिकवरी कर पाई हूँ। मुझे लगा नहीं था कि लेज़र ऑपरेशन से भी मतलब इतना जल्दी रिकवर हो सकता है। मुझे लगा कि मुझे यहाँ शायद 7 to 8 days रुकना पड़ेगा, लेकिन मैं थर्ड डे पे ही आज डिस्चार्ज हो रही हूँ। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं चाहती हूँ कि अगर जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ डॉक्टर आशीष से अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डॉक्टर आशीष से ज़रूर मिलिए। ही इज़ अ वेरी नाइस डॉक्टर और इस हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ट्रीटमेंट फॉर मी। थैंक यू सो मच।